दोस्तों मैं भी टॉस खोले यूट्यूब पे इस बार पोस्ट मैच एनालिसिस नहीं प्री मैच एनालिसिस पर लेके आया हूँ वीडियो। इस बार भी टेनिस के रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूँ, जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ। उन दोनों के बीच में ये फाइनल में ही ज्यादातर वीडियो देखने को मिल रही है। 2023 में उन दोनों के बीच में 4 बार फाइनल वीडियो होने वाली है और ये जो वीडियो था ये 4 टाइम है। मैं बात कर रहा हूँ ATP रैंकिंग नंबर 3 के खिलाड़ी डैनियल मेडवेडेव वर्सेस ATP रैंकिंग नंबर 4 के खिलाड़ी जेनी सिनर। डैनियल मेडवेडेव टाइटल कंटेंडर है, टाइटल होल्डर है और डिफेंडिंग चैंपियन, और वो चाहेंगे डिफेंड करना टाइटल। अभी तक डैनियल मेडवेडेव ने जितने भी टाइटल जीते हैं वो सब जगह ATP जीती है, कभी भी अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाए हैं। जब बोला जाए कभी भी कोई भी टाइटल 2 बार नहीं जीत पाए हैं और वो चाहेंगे कि इस बार वो अपनी परेशानी खत्म करें और ये वाली टाइटल 2 बार जीता है। और इसी तरह बाकी टाइटल जो जीती हैं उन्होंने 20-22 बार वो भी 2-2 बार जीते रहे और ग्रैंड स्लैम चैंपियन जल्द से जल्द अच्छे बने। दूसरी ओर जेनी सिनर चाहेंगे कि वो बढ़िया प्रदर्शन अपना कंटिन्यू रखें, जैसे चाइना ओपन में छोड़ा था वैसे ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि बीजिंग ओपन में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन करके हराया था डैनियल मेडवेडेव को, वो भी फिनाले में, और उनकी पहली जीत थी अगेंस्ट डैनियल मेडवेडेव। फिलहाल दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया तो नोटिफिकेशन बटन तो क्लिक कर ही लीजिए ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहे आपको तुरंत के तुरंत। फिलहाल ये पोस्ट मैच नहीं प्री मैच है। बढ़ते हैं दोस्तों पहले इनका जो पिछला मैच हुआ था चाइना ओपन में उसमें बढ़िया प्रदर्शन किया था मेडवेडेव, लग रहा था मेडवेडेव फेवरेट आए थे क्योंकि मेडवेडेव लगातार जीते जा रहे और इस साल 2 बार 5-5 फाइनल हुआ था, रोटरडम में हुआ था, मियामी में हुआ था। रोटरडम ATP 500 उसमें मेडवेडेव ने हराया था, मियामी ATP 1000 मास्टर्स था उसमें भी मेडवेडेव ने सिनर को हराया था, और पिछला जो टूर्नामेंट हुआ चाइना ATP 500 था उसमें शिकस्त दी थी जेनी सिनर ने मेडवेडेव को। तो इस बार भी ATP 500 टूर्नामेंट है, वियना ओपन है और इस बार डिफेंडिंग चैंपियन वर्सेस जेनी सिनर का मैच, और सिनर चाहेंगे बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करके उन्हें फिर से हराया जाए। दूसरी ओर मेडवेडेव चाहेंगे अगर वो जीतते हैं तो वो टाइटल पहली बार होल्ड रख पाएंगे मल्टीपल टाइम, और वो ऐसे करने में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि देखा जाए उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा बट नहीं अच्छा रहा, अच्छा रहा बट नहीं अच्छा रहा, ऐसा प्रदर्शन रहा। शुरुआत में सिल्वर ओपन में अच्छा नहीं रहा, उसके बाद काफ़ी अच्छा रहा, और वो चाहेंगे कि लास्ट में इस बार एयर हंटिंग में ज़्यादा अच्छा रहे क्योंकि पिछली बार एयर हंटिंग में इतना अच्छा नहीं रहा था जितना रहना चाहिए था। फिलहाल दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो प्री मैच की अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।